अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट वन चैप्टर टू, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक क्रूसिबल्स। हम लोग पढ़ रहे थे सेपरेशन टेक्निक, और उसमें पहला पढ़ा था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ मीडियम हैं जिनसे हम फिल्ट्रेशन करेंगे, और उसमें पहला पढ़ा फिल्टर पेपर, और दूसरा जो था वो था क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स क्या हो सकते हैं, हम इनको बता ऐसे बोल सकते हैं कि कोई कंटेनर जो कि पोर्सिलेन का बना हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है, ग्लास का बना हो सकता है, विच आर यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन। या नॉर्मली क्रूसिबल्स क्या कहते हैं, कंटेनर्स के लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है। कोई सॉलिड फॉर्म में कोई कंटेनर जो हो उसको क्रूसिबल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्रूसिबल फॉर फिल्ट्रेशंस, ठीक है। तो पहला जो क्रूसिबल है वो बाई नेम गूच क्रूसिबल। हमने लास्ट टाइम देखा था कि फिल्ट्रेशन थ्रू आ फिल्टर पेपर इज़ आ टाइम कंज्यूमिंग, उसमें टाइम की कंजप्शन थी। उसमें हमने कहा था कि कैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस इंक्रीज़ किया जा सकता है, ज़्यादा जल्दी प्रोसीड करवाया जा सकता है अगर हम सक्शन डिवेलप कर दें, ठीक है। वो सक्शन डिवेलप उसमें हमने फ़िल्टर पेपर में कहा था ऐसे होती है कि जब हम फिल्टर पेपर को फिर्मली बाउंड कर देते हैं उस फनल की वॉल्स के साथ, या अगर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान बाय यूजिंग वैक्यूम पंप सक्शन डिवेलप करें, जितना सक्शन डिवेलप करेंगे उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस रैपिडली क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो गूच क्रूसिबल्स आज उसी हवाले से है कि इनको यूज़ करते हुए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या कर सकते हैं, ज़्यादा रैपिडली प्रोसीड करवा सकते हैं। ये जो क्रूसिबल है गूच क्रूसिबल, ये साइंटिस्ट के नेम से ये बना हुआ करता है पोर्सिलेन मटीरियल का। पोर्सिलेन मटीरियल कहते हैं जैसे मट्टी के बर्तन होते हैं, या चाइना के चाइना वेयर्स जो होती हैं जिनके अंदर क्ले मौजूद होती है और साथ कुछ और जो है आर्टिकल मिक्स करके बनाए जाते हैं। सिंपली आप समझ सकते हैं मट्टी के बर्तन, ठीक है, या चाइना वेयर जो होती हैं ये हो सकते हैं पोर्सिलेन मटीरियल के बने हुए। तो गूच क्रूसिबल भी ऐसा ही है जो कि पोर्सिलेन मटीरियल का बना होगा। और ये ऐसा मैंने कहा शुरू में ही कि ये कंटेनर है जिसको हम बर्तन का बर्तन की हम कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोर्सिलेन का बना हुआ जिसके बॉटम पे पोर्स मौजूद होते हैं। पोर्स मीन सुराख। सिंपल अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो इस तरह का है ये क्रूसिबल गूच, ये जैसे हम एक कप देखते हैं बिल्कुल कप की शक्ल का, ये हमारा क्रूसिबल होगा। इसके यहाँ पर ये मैंने छोटे छोटे, ये बहुत बड़े बना रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे इसमें क्या हैं, सुराख मौजूद हैं, पोर्स मौजूद हैं, ठीक है, ये इसके अंदर पोर्स हैं। अब इन पोर्स के ऊपर अगर हम लिखें तो पोर साइज़ यहाँ पर भी उतना बारीक नहीं है जितना कि फ़िल्टर पेपर का है, ठीक है, उससे क्या होगा थोड़ा सा लार्जर साइज़ का होगा। फिर इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करने के लिए इसके बॉटम को कवर करते हैं, और कवर किससे करते हैं, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, ताकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम स्मॉल पोर साइज ले सकें, या इसको कवर कर देते हैं पेपर पल्प से, ठीक है। जैसा कि देखें हमने फिल्टर पेपर में पढ़ा था कि सेल्युलोज या पेपर जो है वो यूज़ होता है फॉर फिल्ट्रेशन, तो इसी तरह से पेपर की पल्प ली जा सकती है, ठीक है, वो इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, इस तरह से यहाँ यहाँ पे कवर कर दी जाती है, ये सारे के सारे पोर्स के ऊपर ये रख दिया जाएगा और ये यूज़ कर लिया जाता है एज आ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब इसको किसके ऊपर लगाते हैं, उसी तरह से ये एक फनल लेकर या जो कंटेनर जिसके ऊपर ये फिट हो जाए, आमतौर पर इस तरह की फनल के ऊपर फिट होगा, ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसे बुक में डायग्राम बनी है, ये इसके ऊपर ऐसे क्या कर देंगे, फिट कर देंगे ये, और यहाँ यहाँ पर ये हमारा क्या है, वो फिल्टर पेपर पड़ा हुआ है। इसके साथ अगर फनल में यहाँ पर एक साइड पे पाइप निकाला जाए और इसको अटैच कर दिया जाए वैक्यूम पंप के साथ, तो ये यहाँ पर क्या डिवेलप करेगा, सक्शन फोर्स। वो प्रेसिपिटेट जिसको हमने फिल्टर करना है उसको इसके ऊपर पोर करेंगे,
जैसे यहाँ पर डालेंगे, यहाँ से सक्शन डिवेलप करने पर फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि वैक्यूम पंप ज़्यादा सक्शन प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस फिल्टर पेपर की निस्बत क्या होगा, रैपिडली ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी, फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग है कि पोर्सिलेन का बना होगा, बॉटम इसका पोर्स होगा, उसके ऊपर कवर कर लेते हैं इसको फिल्टर पेपर से या पेपर पल्प से। इसके अलावा इसको एक और चीज़ से भी कवर किया जा सकता है, और वो है एस्बेस्टॉस मटीरियल। ठीक है, एस्बेस्टॉस ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, इस मिनरल को क्या बोला करते हैं कि इस मिनरल को जब सॉलिड, ये सॉलिडिफाई है, इस मिनरल का बनी हुई चीज़ को हम क्या कहते हैं, एस्बेस्टॉस। उससे भी क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इससे कवर उस वक्त किया जाता है जब हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस फिल्टर करने हों जो कि फ़िल्टर पेपर से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, वो कौन से मटेरियल हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि KMnO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। एसिड का जब भी हम पेपर से रिएक्ट करवाएंगे तो ये पेपर को क्या कर देता है, जैसे हम सिंपली समझें जला देता है, उससे रिएक्ट करके उस सेल वलोस को ना कार्बन में कन्वर्ट कर देता है ब्लैक फॉर्म में। तो इसी तरह से एसिडिक सॉल्यूशन हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जो इससे रिएक्ट कर जाते हैं, अगर ये रिएक्ट कर गया तो ये फिर फिल्ट्रेशन के तौर पर यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए फिर इनको फिल्टर करने के लिए ये वाला मटेरियल लगाया जाता है एस्बेस्टॉस, जो कि इनसे रिएक्ट नहीं करता। तो एक यहाँ पर इसकी ये इंपॉर्टेंस आ गई कि इन फिल्टर पेपर से हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो वाले मटीरियल जो हैं उनको फिल्टर कर सकते हैं जो इससे रिएक्ट ना करते हों, हम एसिड्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनसे फिल्टर नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट हैं, जब हम इसको करते हैं फिल्ट्रेशन तो जो सॉल्वेंट है वो पास कर जाता है ऊपर, जो प्रेसिपिटेट बच जाता है उनको बाद में ड्राई या वे करने के लिए उनको इग्निशन भी करनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पेपर के ऊपर रखकर हम हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन क्रूसिबल की ये भी खसूसियत है कि आप इसको जो इसके ऊपर इस तरह से ये प्रेसिपिटेट पड़ा है उसको अलग-अलग हाई टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, दोबारा इग्नाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर अलग-अलग टॉपिक आता है कि इग्निशन करनी क्यों है, वो गैसेज के हवाले से कि उनको डिजॉल्व को निकालना होता है उस हवाले से। तो आप सिंपली समझें कि इनको हाई टेम्परेचर पर इग्निशन करने के लिए भी किसका यूज़ हुआ करता है, गूज क्रूसिबल का। तो अगर हम देखें कि वाई गूज क्रूसिबल आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू फिल्टर पेपर, तो इसमें पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि दो सॉल्यूशंस विच आर रिएक्ट विद फिल्टर पेपर, दीज कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग गूज क्रूसिबल। दो सब्सटेंस विच आर नीड टू बी इग्निटेड एट हाई टेम्परेचर, दे कैन बी फिल्टर्ड, फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज रैपिड एज कंपेयर टू बाय यूजिंग सिंपल फिल्टर पेपर। तो ये तीन कुछ हेडिंग्स हैं जिनके हवाले से हम क्या कहते हैं कि गूज क्रूसिबल जो हैं ये यूजफुल हैं एज कंपेयर टू द फिल्टर पेपर। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद इसी के टाइप्स में दूसरी टाइप है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटरिंग प्रोसेस होता है सॉलिड सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म को या किसी चीज़ को लेकर हीट करके सॉलिड में कन्वर्ट करना, मीन ग्लास को डिफरेंट फॉर्म्स में लेकर आना इस प्रोसेस, ताकि वो यूज़ कर सकें एज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और इसको हम बोलेंगे सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये क्रूसिबल बना होगा ग्लास का, और इसमें भी उसी तरह से ये एक ग्लास का हम इस तरह का कंटेनर जिसको हम क्रूसिबल्स कह रहे हैं वो बनाएंगे, और इसके अंदर यहाँ पर एक डिस्क जो कि ग्लास की बनी होगी जिसमें बहुत छोटे छोटे से पोर मौजूद हैं वो लगा दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है, और ये वाला जो हमारा क्रूसिबल है ये क्या कहलाता है, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसा जैसे हम फिल्टर पेपर के ऊपर बना रहे थे उस तरह के स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं। इसमें और गूज क्रूसिबल में क्या डिफरेंस है कि इसके ये पोर साइज लार्ज थे, तो फिल्ट्रेशन करने के लिए हमें इसको डिवेलप करना पड़ा, डिवेलप मीन इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाना पड़ा या फिल्टरिंग मटेरियल एस्बेस्टॉस या पेपर पल्प लगानी पड़ी। इसमें ऐसा नहीं है, इसके लिए हमें कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती, ये एज इट इज़ क्या किया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है, इसके लिए कोई प्रेपरेशन रिक्वायर नहीं है। तो ये डिफरेंस है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का गूज क्रूसिबल के हवाले से। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है
है, वाई सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल इज प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू गूज क्रूसिबल, तो सिंपल आंसर है फॉर दिस वी रिक्वायर्ड प्रेपरेशन आइदर फॉर वाई यूजिंग फिल्टर पेपर, पेपर पल्प और एस्बेस्टॉस, वाइल इन दिस नो फर्दर प्रेपरेशन आर रिक्वायर्ड, इट इज यूज एट इज एज इट इज, ठीक है, तो और इसको यूज कर लिया जाएगा फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। भी ये दो क्रूसिबल्स थे, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में डिफरेंस भी आ जाता होता है जैसे मैंने अभी बताया, तो ये आप लोगों ने जो है वो कर लेने हैं। दोनों की इंपॉर्टेंस एक ही है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रूसिबल्स यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आगे टॉपिक है एक छोटा सा सब्लिमेशन, ये भी नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही इसमें से आता होता था कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी कर सकते हैं। सब्लिमेशन क्या होगी, तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें, ठीक है, तो वो सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर किस में चेंज होगा, लिक्विड फॉर्म में। इसी तरह से अगर हम लिक्विड को हीट करते जाएँ तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर किस में चेंज होता है, गैस फॉर्म में। तो सॉलिड को हीट करने पर वो लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड को हीट करने पर वो गैस में चेंज होगा। कहता है कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जब हम हीट करें, ठीक है, ये हीटिंग का सिंबल है, कहता अगर हम उनको हीट करें तो वो हीट करते हुए बजाय लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के डायरेक्टली किस फॉर्म में चेंज हो जाएं, गैस फॉर्म में। तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं सबलाइम सब्सटेंस। और ये जो प्रोसेस है कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैशियस फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड फॉर्म, दिस प्रोसेस और फिनोमिना आर कॉल्ड एज सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन कहलाएगा। ये शो करेंगे सबलाइम सब्सटेंस, सबलाइम सब्सटेंस कौन से हैं, जैसा कि आयोडीन, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, इसी तरह से एक और एग्जांपल इसमें दी है अमोनियम क्लोराइड। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जब सॉलिड फॉर्म में हम हीट करते हैं तो डायरेक्टली किस में चेंज होते हैं, गैस फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है, इन सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, या हम लिख सकते हैं कि वो हाई होता है। ऐसे सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर हाई हो, जैसे ही वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने लगते हैं उस वक्त उनका वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो डायरेक्टली उसी टेम्परेचर पर किस में चेंज हो जाते हैं, गैस फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा कि वो जब लिक्विड को हम गैस में चेंज करते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो लिक्विड गैस फॉर्म में या वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऐसे सब्सटेंस, और ऐसा तब होता था जितना किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हाई होगा उतने कम टेम्परेचर पर वो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इनके लिए ऐसा है कि इन सब्सटेंस का चूंकि वेपर प्रेशर हाई होता है, बहुत ज्यादा है, इसलिए जैसे ही लिक्विड फॉर्म आने लगती है वो उसी वक्त किस में चेंज हो जाते हैं, उस टेम्परेचर पर, थोड़े से हाई टेम्परेचर पर, साथ ही गैस में। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, सबलाइम सब्सटेंस कहलाएंगे। और ये प्रोसेस क्या होगा, सब्लिमेशन। और ये हमारी दूसरी सेपरेशन टेक्निक थी, इसमें हम दो सॉलिड सब्सटेंस अगर हों, ठीक है, जिसमें से एक सबलाइम हो और दूसरा सबलाइम ना हो, सबलाइम मीन कि एक को हीट करें तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए लेकिन दूसरा उस टेम्परेचर पर गैस में चेंज ना हो, तो उस वक़्त इट इज़ आ सेपरेशन टेक्निक, उस वक़्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज आ सेपरेशन प्रोसेस के तौर पर, ठीक है। जैसा कि हमारे पास आयोडीन जो है या बेंजोइक एसिड, वाइट कलर का ये भी सॉलिड है, ये मिक्स हो फर्ज करें ग्लूकोज के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, इस तरह के सॉलिड के साथ मिक्स है, तो क्या करें हम इन दोनों सॉलिड को अलहदा करने के लिए, हम इनको थोड़ा सा हीट करेंगे, एक हमारा जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, वो गैशियस फॉर्म को हम कंडेंस करके अलहदा कर लें तो क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों के दोनों सॉलिड आपस में से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। अब इसकी वर्किंग कैसे है, इसका भी यहाँ बुक में ऑपरेटस भी दिया गया है कि किस तरह से हम सब्लिमेशन वाला प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करवाते हैं। तो इसके लिए एक हम लेंगे इस तरह से ट्राईपॉड स्टैंड, उस स्टैंड के नीचे यहाँ पर हम एक लेंगे बीकर बर्नर, ये हमारा बर्नर है, इसके ऊपर हम एक कंटेनर लेंगे
मेटल का बना हो सकता है जिसके अंदर सैंड पड़ी है, रेत, ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, सैंड। अब इसके ऊपर हम एक लेंगे वॉच ग्लास, वॉच ग्लास या हम सिंपली लिख सकते हैं चाइना डिश, जिसके अंदर हमारा वो सॉलिड मटेरियल पड़ा है जिसको ये मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूँ। ये मिक्सचर है दो चीज़ों का, दो सॉलिड हैं जिनमें से एक सबलाइम है और दूसरा सबलाइम नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इन्वर्टेड फनल, वो जो हमने कहा एक फनल देखी थी ग्लास फनल, उसको इसके ऊपर लगा दें तो ये इन्वर्ट फॉर्म में क्या कहलाएगी, इन्वर्टेड फनल। इस फनल का ये जो ऊपर वाला पोर्शन जहाँ से हम फिल्ट्रेशन करते थे, इसको कवर कर देंगे बाय एडिंग कॉटन प्लग, मतलब रुई यहाँ पर लगा देंगे ताकि यहाँ से कोई मटेरियल बाहर ना जा सके। फिर इसकी वॉल्स को वेट कॉटन से क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, ठीक है। रैप मीन कि उसके सराउंड में भीगी हुई कॉटन क्या कर देना, आपने लगा देनी है, ठीक है। ये हमारा क्या बन चुका, अपरेटस बन चुका सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर हमारा सॉलिड पड़ा है, यहाँ से जब इसको हीट करेंगे तो हीट डायरेक्ट नहीं करनी, क्योंकि जो सबलाइम सब्सटेंस कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको एकदम ज़्यादा हीट करें तो हो सकता है वो कंपाउंड उस स्ट्रॉन्ग हीटिंग से डीकम्पोज हो जाए, तो इसलिए उनको डायरेक्ट हीट नहीं करनी। तो डायरेक्ट हीट से बचाने के लिए हमने क्या किया, उसको इनडायरेक्ट हीटिंग की, हम सैंड को हीट करेंगे, सैंड के टेम्परेचर से यहाँ से उसकी हीट से क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर उसको हीट मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से हीटिंग नहीं करनी, मे भी हमारा कंपाउंड जो है वो क्या हो जाए, डीकम्पोज हो जाए, या वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि उसको यहाँ कंडेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग से बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीट ना करने के लिए, इसको इनडायरेक्टली क्या करेंगे, हीट करेंगे। यहां जब हम इसको हीट करेंगे, सैंड यहां पर से हीट अप होती जाएगी, वो आगे यहां हीट प्रोवाइड करेगी, तो इन सॉलिड में से वो सॉलिड जिसका टेम्परेचर कम, मतलब लो टेम्परेचर पर जो गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, सबलाइम सब्सटेंस होगा, वो यहां सॉलिड से किस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में, तो वो यहां इस फनल में यहां यहां पर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। साथ साथ हमने ये रुई लगाई है इसकी दीवारों के साथ, जैसे ही वो ग्लास की दीवारों के पास पहुंचेगा, वो जो गैसियस फॉर्म है यहां यहां पहुंचेगी, तो ये वेट कॉटन क्या कर रही है, इसकी वॉल्स का टेम्परेचर कम कर रही है। इसका मतलब है ये गैसियस सब्सटेंस इसकी वॉल्स पर आते हुए क्या होता जाएगा, टेम्परेचर कम होने से कंडेंस होता जाएगा। तो यहाँ ये हमारा सब्सटेंस क्या होता जाएगा, कंडेंस, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से एक सॉलिड क्या होता जाएगा, यहाँ जाके कंडेंस होता जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हीटिंग स्टॉप करके इस फनल को यहाँ से अलहदा करेंगे, यहाँ वो सॉलिड पड़ा है जो कि गैशियस में कन्वर्ट नहीं हुआ, और यहाँ वो सॉलिड है कंडेंस जो कि गैशियस में कन्वर्ट होकर कंडेंस हो गया। इसको लेकर अलहदा किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके क्रिस्टलाइजेशन मेथड से इसको अलहदा कर लेंगे, और यहाँ पर दूसरा सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये टेक्निक थी सब्लिमेशन की, कि जिसके ज़रिए से हम दो सॉलिड सब्सटेंस या दो ऐसे सब्सटेंस जिनमें से एक सबलाइम हो दूसरा सबलाइम ना हो, ठीक है, लो टेम्परेचर पर एक गैस में चेंज हो जाता हो डायरेक्टली, हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, वाई आयोडीन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस और वेपर फॉर्म, तो यहाँ हम इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो हम चौथे चैप्टर में जाकर ये क्वेश्चन वहाँ दिया गया है वहाँ भी पढ़ेंगे। ये इसमें से एक क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन था, बाकी आपने इसको एक लॉन्ग के तौर पर भी याद कर लेना है, वर्किंग आपने इसकी लिखनी है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, इसमें सब्लिमेशन, ठीक है। तो बच्चे इसमें से कोई चीज़ अगर ना समझ आए वीडियो के बारे में, आप लोगों ने कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो इंशाल्लाह इससे आगे फिर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।